समय से पहले किस्मत से ज्यादा, ये फॉर्मूला मानो मत मानो है। और आप जो ये कह रहे हो कि ऐसे जो भी साधनाएं और सिद्धियां और शक्तियां, ये जितने अच्छे हैं उतना ज्यादा ज्यादा खतरनाक भी हैं, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ये जब समय आता है तो लोग ऑटोमेटिक इसके चक्कर में पड़ते हैं, जाते हैं, दौड़ते हैं और फिर मरते भी हैं, ठीक है। ये मृत्यु स्थान है ना, ऑकल्ट हाउस है ना, गुप्त स्थान है ना, ये ऐसा ही है जैसे टसर का कीड़ा होता है ना, जो रस्सी अपने शरीर से निकलता है, सूता जिसमें साड़ी बनता है कॉस्टली, उसको क्या बोलते हैं, पाटा साड़ी, टसर साड़ी हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं, रेशम, हाँ हाँ हाँ। ये ऐसा ही हाउस है और ये लाइन भी ऐसा है। हम लोग जो भी ये ऑकल्ट में पड़े हुए हैं, घुसे हैं, पढ़ते हैं, एक एक पल और एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। और जो भी दान दक्षिणा यहाँ आता है ना, तो फूक फूक के उसका उपयोग करते हैं। कोशिश यही रहता है कि बाय मिस्टेक मुंह के अंदर नहीं चला जाए, ठीक है ना, और उसका उपयोग जहां जाना चाहिए वहां जाके हो। जहां ये जो भी पैसा आए वो यज्ञ में, हवन में, पेड़ लगाने में, गुरुकुल में, गौशाला में, ब्राह्मणों में और जो दुष्ट हैं, गरीब हैं, ऐसे व्यक्तियों के सेवा में, सही उपाय में, जो लड़की शादी नहीं हो पा रही है या जिनके पास अन्न वस्त्र का समस्या है, एकदम राइट जगह में जाए। क्योंकि हम देखे हैं कि इन पैसाओं को, ये ग्रह पैसाओं को, ये एस्ट्रोलॉजी, ये ऑकल्ट का पैसा, अष्टम का पैसा बहुत आता है, असंख्य आता है, लेकिन ये इतना खतरनाक जिंदगी है कि मतलब क्या बताएं। मैं तो कभी कभार सोचता हूं कि ये मुझे, ये ज्योतिष का भगवान ने जो मार्ग दिया, प्रभु संभाल दो कि कहीं मेरे अंदर भी लोभ नहीं आ जाए, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, भगवान ने, मुझे नहीं पता इतना मेरे अंदर क्या, इतना क्यों भर दिया, मतलब मेरे लिए कई सारे बेचारे झोला छाप ज्योतिष लोग बोलते हैं, आप ऐसे करोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, तेरा मार्केट नहीं खाऊं, हाँ तू तुम्हारा मार्केट नहीं खाऊंगा, मेरा तो आई एम द बड़ा नोचिंग हूं, हम है, हमारा रेट जितना है तुम लोगों का उतना नहीं है, डोंट वरी, मेरे पास आप लोगों का कस्टमर नहीं आ जाएगा, मेरे जो पुश्तैनी यजमान है और बाय इंटरनेशनल नेशनल यजमान है। ये इसलिए कह रहा हूं ना कि आप जिसके पीछे इतना पागल होके ओरिड होके प्रश्न कर रहे हो कि ये सारा शक्ति, ये सारा मतलब ज्ञान या जो भी ये आपका जो इच्छा है, साधना सिद्धि, मैं सब कुछ जान जाऊं, त्रिकालदर्शी हो जाऊं, जितना नहीं जानो उतना अच्छा है। मैं बचपन में, मेरा दादा गुरु भी मेरे को, देखो इतना साल तक तुम इसके ऊपर कोई भी एक मतलब टेक्निकल काम नहीं करोगे, यू रिसर्च योर सेल्फ, तुम करोगे ही, मैं मना करने से तुम नहीं रोक सकते, मुझे पता है तुम्हारा कुंडली ही कह रहा है कि तुम जन्म ही इसीलिए हुए हो। तो भाई फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम 1981 बोले, ठीक है, लेकिन तुम इसको लेके समाज के सामने नहीं जाओगे, और समाज के सामने जब जाओगे तो वो टाइम आएगा, और वो भी मैं तुम्हें लिख देता हूं, वो लिख के मरे थे कि ये डेट दे रहा हूं कि इसके बाद इस लाइन पे आना है, ठीक है ना। तो बेटा उसके बारे में क्वेश्चन करना ही खतरा है। ये बाहर से बहुत, हाँ ये बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, नाम दिखता है, सम्मान दिखता है, शौर्य दिखता है, लोग पैर पकड़ना दिखता है, लेकिन याद रखना, तुम अपने को नहीं बचाओगे ना, लूट के ले जाएंगे तुम्हारे से, और तुम्हारे से बुरा चीज लूट के नहीं लेंगे, सारे अच्छे साधना, सोचो तुम्हारा घंटों का तपस्या, मेहनत, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, तपस्या, सबको चाहिए, आसानी से दे दो, हम आशीर्वाद दे दे और सबका काम बन जाए, समझ में आ रहे। ये आप अपने को छुपाना है, आप इतना छुपाओ नहीं, इतना बोलो कि मुझे कुछ नहीं आता है, आई डोंट नो एनीथिंग, ये बस ऐसे ही थोड़ा कुंडली उंडली देख लेते हैं और उससे ज्यादा कुछ आता नहीं, कुछ करते नहीं है, जितना सको। लेकिन याद रखना, तुम छुपा भी नहीं सकते हो, फूल फूटा तो महकेगा और लोग तुम्हारे पास चींटी के जैसे दौड़ेंगे।
और तब पर भी उसी समय, तो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना, कोई नहीं बताएगा, उस समय बहुत सोच समझ के निर्णयों को लेना होता है, ठीक है ना। और अगर जो जिसके लिए लाइक नहीं है उसको दे दिया, सोचो कोई आदमी बच्चा मांग रहा है और बच्चा के लिए वो लाइक नहीं है, उसके कुंडली में बच्चा योग नहीं है, तुम दे दिया, वो बच्चा तो आगे चल के मरेगा, नहीं तो वो बच्चा आगे जाके तो मिसहैंडल होगा। हाँ पकड़ लो, कोई पति मांग रहा है, तुम आशीर्वाद करके पति दे दिए, और वो लड़की, वो औरत, वो बेटी, वो महिला, शी डोंट नो, एक कुत्ता को संभाल के प्रेम से नहीं रख सकती है, पति को कैसे संभाल के रखेगी वो। तो वो जो पति का एक एक आंसू है ना, क्योंकि तुम अपने धर्म बल, तपोबल, आध्यात्म बल, आशीर्वाद बल से उसको तो पति दे दिया, वो तो अपना डेस्क संभालने नहीं जानती है, पति क्या संभालेगी वो। तो वो जो दंड है किसे मिलेगा, कौन भोगेगा उसको। हाँ तो इसलिए ये लाइन में बेटा बहुत बहुत तलवार के धार पे नहीं, तलवार के नोक पे चलने वाला लाइन है ये, बहुत सोच समझ के। आदमी रोएंगे रोएंगे, पैर पकड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, एकदम कर दीजिए गुरुजी, नहीं होने से नहीं चलेंगे। अरे माया जगत है, माई को एक बूंदा पानी डालो तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताओ, कर भी दिया, दे भी दिया, लेकिन उसके बाद तेरा क्या हुआ। फिर तुम दूसरा बार आ जाओगे कटोरा लेके, बाबा दे दो। और हमारा लक्ष्य एक ही, बहुत क्रिस्टल क्लियर, कि आपको मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग, आपको आध्यात्म निष्ठा विनिवृत्त काम, एस्ट्रोलॉजर का ड्यूटी नहीं भूलना है कि संसार और आध्यात्म के बीच में एक ब्रिज है, और तुम मेरे ऊपर चलो, तुम तुम्हारा गुरु बन जाओ, तुम उस ईश्वर सत्ता को, यू इन्वेंट योर सेल्फ दैट हु आर यू रियली। और तुम जो भीख मांग रहे हो, तुम तो दाता हो, तुम स्वयं भगवान हो, ब्रह्म स्वरूप, अयम आत्मा ब्रह्म सोहम तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम जीव ब्रह्मैव नापरः। ये तुम इन्वेंट करो। अगर ये एस्ट्रोलॉजर नहीं करा पाया और कुंडली देख के खाली दो पैसा कमाने लग गया, कुंडली दिखाओ पैसा दो, और तुम्हें उस लेवल तक नहीं लिया, तो फिर उसका उसी एट हाउस से तुम्हें दंड आता है, मृत्यु तुल्य पीड़ा, अगला जन्म बर्बाद हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के इस लाइन पे आओ, नहीं आओ तो भी बढ़िया है, और तुम्हें पैसा का लोभ दिखता है तो जाओ, मुझे मना नहीं करना।